हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एचएस बैंकर के ऊपर। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप वो क्वेश्चन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके भेज सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको क्या पूरे का पूरा वैसे का वैसा टाइप करके भेजना जैसा कि बुक में अवेलेबल है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के एक या दो दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा ही मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, देयर आर थ्री फ्रेंड नेम साहिल, तानिया एंड दीपक। इट वॉज फाउंड दैट द एवरेज एज ऑफ साहिल एंड तानिया इज 22 ईयर्स। Will the ratio of the Sahil and Deepak age is 7:5 and the sum of all the friends together is 72 years. What will be the present age of Tanya? Tanya की हमें यहाँ पर present age पता करनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें तीन friend है यहाँ पर, तो जो Sahil और Tanya है उनकी जो average है वो 22 है। तो Sahil प्लस तानिया, मैं ये शॉर्ट्स में लिख रहा हूँ, इनकी एवरेज 22 है, तो इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा? 22 इंटू 2 हो जाएगा 44 हो जाएगा, और जो टोटल वेट है वो कितना है? टोटल है 72। तो इनमें से जो एक फ्रेंड इनका कौन? दीपक। दीपक का कितना हो जाएगा? 72 माइनस 44, क्योंकि साहिल तानिया का 44 है, टोटल तीनों का 72 है। तो बचा कौन? दीपक बचा। तो दीपक को यहाँ पे हम, ये कितना आ जाएगा? 28। तो दीपक का 28 आ गया, ठीक है। और इन्होंने हमें, हमारे पास यहाँ पे साहिल और दीपक की रेशो दे रखी है, कितनी? 7:5। तो दीपक का वेट तो है यहाँ पे हमारे पास 28, साहिल का हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, और जैसे इन्होंने रेशो दे रखा है 7:5, तो यहाँ पे ये कट कर जाएगा। जो साहिल की एज है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 20 आ जाएगी, 20 आ जाएगी, 5 × 20 होता है, ठीक है। साहिल की एज 20 आ गई, और इन्होंने क्या बोला हमें यहाँ पे पता करने के लिए? तानिया की एज। साहिल और तानिया की एज कितनी थी? 44 थी, तो उसमें से साहिल की एज माइनस कर देंगे तो तानिया की आ जाएगी 44 माइनस 20, कितना आ गया? 24। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।